हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट शेमा के वीडियो। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम बात करेंगे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, और एट प्रेजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इसमें। चाहे अदानी ग्रुप की कोई भी एंटिटी ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अदानी ग्रीन का, जो कि 50 रुपए से कम का शेयर हुआ करता था कुछ टाइम पहले, और अब भी एट प्रेजेंट 1000 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो गाइज, मैंने हर बार मैं जब भी अदानी ग्रुप की बात करता हूँ, तो मैं मेरे ऊपर जो आप देती है वो मैं हर बार मैं हर ये चैनल के थ्रू मैं बताता हूँ कि मेरे पास 500 शेयर थे इवन, और आप यकीन नहीं करेंगे, 40 रुपए के आसपास के शेयर थे मेरे पास 500 शेयर, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 200-300 रुपए लेके और उसको निकाल दिया था। उस टाइम पर मेरे को ट्रस्ट नहीं था, इवन वो टाइम है एक 1.5 साल से, अप्रोक्सीमेट 1.5 साल हो चुका है ऑलरेडी। तो गाइज, अभी मेरे पास वो शेयर होते तो इवन मेरे पास 5 से 6 लाख रुपए इवन प्रॉफिट ही होता, और अभी भी मैं अगर ये सिचुएशन होती तो मैं बेचता भी नहीं। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है एट प्रेजेंट अदानी ग्रुप की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। अदानी पोर्ट की बात करते हैं, जो कि आज 6% इंक्रीज हुआ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है वो मैं बताऊँगा। आज की बात करें, 470 इसने क्रॉस किया था, और लो की बात करें तो गाइस 435 रुपये तक ये नीचे गया था। तो 52वीं हाई की बात करते हैं, लो की बात करते हैं, 52वीं हाई की बात करते हैं, 480 रुपये इसका 52वीं हाई है, लो की बात करें 203 रुपये है। सो गाइस, मैक्सिमम जो है 52वीं हाई है, वहीं इसका मैक्सिमम है। सो गाइस, इसकी बात करते हैं, इसकी न्यूज़ की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं गाइस। तो इसके फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो इसका कंपनी टोटली प्रॉफिट में है, और सेकंड क्वार्टर की बात करें तो गाइस इसका प्रॉफिट 2.5 गुना इंक्रीज हुआ था, नो डाउट। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन बता रहा है ऑटोमेटिकली। सो गाइस, इसके डिविडेंड की बात करें तो अपने शेयर होल्डर को काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, और टोटली सेटिस्फाई किया, चाहे 2018-19-20 हर साल अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड देता है। सो गाइस, इसकी बड़ी न्यूज़ की तरफ जाते हैं, बड़ी न्यूज़ की तरफ जाएं तो अदानी पोर्ट रेजेस ग्रीन प्रोफाइल विद बी स्कोर इन मैनेजमेंट पैड ऑफ CDP फ्रेमवर्क। तो गाइस, इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, द स्कोर कुड हेल्प द फर्म लोअर इट्स बोरोइंग कॉस्ट। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ हैज सिक्योर्ड अ बी स्कोर इन द मैनेजमेंट बैंड एज पर द CDP स्कोर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, हेल्पिंग इंडियाज बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेशन रेज इट्स ग्रीन प्रोफाइल बाय न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ थर्मल कोल एक्सपोजर्स ट्रांसलेटिंग इन टू मोर इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड लोअर borrowing cost score is highly than the intermodal transport and logistics sector average of D, Asia regional average of D, global average of C. So काफ़ी अच्छी obviously जो इसका average है वो काफ़ी अच्छा है, score का average है। Analyst had raised concern that more climate risk is likely to be priced into Adani Ports bonds particularly as more globally significant financial institution are specifically excluding thermal coal exposures entirely. An entity with a clear green profile through could be given benefit of doubts, or rating agencies could view their international funding base positively. So guys, काफ़ी अच्छी rating है, obviously काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट है, प्लस जो इसके शेयर प्राइस की तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। थोड़े दिन पहले भी मैंने एक न्यूज़ फ्लैश की थी अपने चैनल के थ्रू वीडियो बना के। तो गाइज, ये देखिए, ये 15 दिसंबर की न्यूज़, अदानी पोर्ट शेयर राइजेज 2% एज जॉइंट वेंचर टू रेज $300 मिलियन। जॉइंट वेंचर के थ्रू इसने जो फंड रेज किया था $300 मिलियन, जो कि $300 मिलियन, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन ये न्यूज़, ये 15th of December की न्यूज़ है, उस टाइम पर इसने अपने जो 52वीं हाई है उसको क्रॉस किया था, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट की एक न्यूज़ ये थी, जो कि 2 दिसंबर की न्यूज़ थी, अदानी पोर्ट शेयर प्राइसेस हिट 52-week high आफ्टर कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ राइजेज 10% ईयर ऑन ईयर।
जो इसका कार्गो वॉल्यूम वो ग्रो हुआ था उसका ईयर ऑन ईयर 10%, जिसकी वजह से इसने 52 हाई को टच किया था, 52 हाई को क्रॉस किया था। तो काफ़ी सारी बैक टू बैक न्यूज़ आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है एट प्रेजेंट। जो अदानी पोर्ट की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी हद तक गाइज जो अदानी पोर्ट, अदानी की जो जितनी भी एंटिटी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देखिए अब 133% सिंस मार्च दिस अदानी ग्रुप स्क्रिप्ट हैज जस्ट बीन अपग्रेड। सो जो एक जो मार्च से लेके और अभी तक जो अदानी ग्रुप की जितनी भी एंटिटी है वो 133% जो कि अप गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है अदानी ग्रुप की जितनी भी एंटिटी है। चाहे वो अदानी पोर्ट को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, चाहे ट्रांसमिशन को ले लीजिए, एंटरप्राइज को ले लीजिए, ग्रीन को ले लीजिए, चाहे मीन्स की काफ़ी सारी एंटिटी हैं इसकी, सारी अच्छा काम कर रही है ऑब्वियसली, और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं और शेयर प्राइस सबका ऊपर गया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम इसको अदानी पावर को छोड़ दें तो सारी कंपनियां, सारी एंटिटी ऊपर गई हुई है। तो गाइज हम ट्राई कर सकते हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम पावर में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 40-45 रुपए के बीच में आपको अभी इसकी फ्लक्चुएशन मिल रही है। तो गाइज हम पावर की बात ना करके अदानी पोर्ट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा शेयर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली पीक पर है, तो थोड़ा सा रिस्की है। अगर मार्केट डाउन चला गया है तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे व्यूअर हैं किसी को भी कोई भी लॉस हो, तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट की हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अर्न करें तो वो बेटर है, कि बजाय इसके कि हम एकदम से लॉस खा ले। तो एटलीस्ट हमारे पास पैसे तो हैं, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम और शेयर खरीद के एक अच्छा खासा एवरेज बना सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।